बाद 1919 में 13 अप्रैल के दिन हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए। उसी समय डायर ने अपने ऑफिसर्स को फायरिंग का आदेश दिया और तब हुआ बहुत ही दिल दहला देने वाला हत्याकांड। भारत को गुलामी की जंजीरों से आजाद करने के लिए जब देश के कोने कोने में इंकलाब जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे तो इससे अंग्रेज घबरा गए और इस बुलंद आवाज़ को रोकने के लिए सन 1919 में 13 अप्रैल के दिन भारत में जो हुआ उस काले कारनामों को कभी कोई भूल नहीं सकता। रॉलेट एक्ट के विरोध में बुलाई गई इस सभा में आसपास के क्षेत्रों से करीब 20,000 लोग आए थे। सभा में मौजूद ज़्यादातर लोग सिख थे। लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में भाषण सुन ही रहे थे कि अचानक वहां जनरल डायर पहुंचा और सभा को बंद करने का आदेश दिया। इससे लोगों की भगदड़ मच गई। डायर ने बाग के निकासी दरवाजों पर अपने सैनिक तैनात करवा दिए ताकि लोग बाहर नहीं निकल पाए। इसके बाद डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया। उसने 10 से 15 मिनट तक लगभग 1600 राउंड गोलियां चलवाई थी। वह तब तक गोलियां चलवाता रहा जब तक कि गोलियां खत्म ना हो गई। अब हम जानेंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था। रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी जिसमें जनरल डायर नामक एक अंग्रेज ऑफिसर ने बिना कारण के उस सभा में उपस्थित भीड़ पर गोलियां चला दी। चलिए जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के परिणाम के बारे में। जनरल डायर ने लोगों को भयभीत करने के लिए यह हत्याकांड किया ताकि लोग आज़ादी की लड़ाई से पीछे हट जाएं। लेकिन जनरल डायर और अंग्रेजी सरकार के खिलाफ आग और आक्रोश में बदल गया। लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इससे घबराकर ब्रिटिश सरकार ने जांच के लिए हंटर कमेटी, वही समांतर रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग गठित किया। इस आयोग के सदस्य पंडित मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, अब्बास तैयब, जीर दास और पीपुल जयकर थे। चलिए जानते हैं जनरल डायर की हत्या किसने और कब की। जनरल डायर सेनावृत होने के बाद लंदन में अपना जीवन बिताने लगे, लेकिन 13 मार्च 1940 का दिन उनकी जिंदगी का आखिरी दिन साबित हुआ। उनके द्वारा किए गए हत्याकांड का बदला लेते हुए उधम सिंह ने केक्सटन हॉल में उनको गोली मार दी। उधम सिंह एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे